जीरो से फेल होगा। राहुल गांधी चोर हैं, चोर। मोदी सबसे बेस्ट है। 70 साल उन्होंने चोरी की तो अब क्या करेंगे वो दूसरों को कहकर? उन्हें ये नहीं पता टमाटर किस चीज से बनता है। राहुल गांधी जो बात कहते हैं ना एक भी सच नहीं बोलते, सारा झूठ बोलते हो। घर घर तक सिलेंडर पहुंचाया गया किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी जी की वजह से। पप्पू कोई देश को संभाल सकता है? आप बताइए, जो खुद ही पप्पू है। बच्चों के हाथ में बागडोर अच्छी लगेगी। बताइए 70 साल से अब तक कुछ हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ, घोटाले हुए। जिसमें मोदी आए जीएसटी वजह से जो भी काले धंधे थे वो सारे बंद हो गए। पप्पू पास नहीं होगा। नहीं पप्पू डबल जीरो से फेल होगा। चौकीदार चोर नहीं है, सब है सब। चौकीदार कभी चोर नहीं हो सकता। राहुल गांधी चोर हैं, चोर। अच्छा राहुल गांधी 50 साल के युवा हैं, उनकी कुछ उम्मीदें हैं? वो तो बेकार है, बेकार। उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें बस दूसरों को झंड करने आती है। वो कुछ पढ़े लिखे हैं जो मोदी की बराबरी करते हैं वो? उन्हें ये नहीं पता टमाटर किस चीज से बनता है। उन्हें ये कहता पेड़ पर लटकती है बोतल टमाटर की। हाँ पप्पू ही है वो, पप्पू ही रह जाएंगे वो। वो पप्पू ही रह जाएंगे वो, ये देख लेना पप्पू है तो पप्पू ही रहेंगे। मोदी आना चाहिए, घर घर में मोदी आना चाहिए। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर बार मोदी आएगा, हर बार मोदी। अगर पब्लिक ने, जनता ने 70 साल उन्हें दिए हैं तो 4 साल में मोदी जी ने भी बहुत कमाल का काम किया हुआ है। हमको तो अच्छा पैसा बढ़ा दिया उसने, मोदी ने बढ़ा दिए पैसे। हमारा तो अच्छा पेंसिल का पैसा बढ़ा दिया उसने। जो पहले सरकार थी उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। मोदी का किया हुआ दिख रहा है लोगों को। आप युवा हो, एक 50 साल का युवा भी लाइन में लगा हुआ है, सपने देख रहा है, उसके बारे में क्या? उससे मतलब नहीं, लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं ना सबसे बेस्ट है, उससे कोई कर नहीं सकता। ये ऊपर वाले का वरदान है, मोदी जीतेगा। जहां भारत की माताएं बहने चूल्हा फूक फूक के अपने अपनी आंखों को और अपने फेफड़ों को गंदगी दे रही थी, आज घर घर तक सिलेंडर पहुंचाया गया किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी जी की वजह से। हम चाहते नरेंद्र मोदी एक बार, नरेंद्र मोदी हर बार, नरेंद्र मोदी बार बार। ये जो बुजुर्ग महिला ये मोदी जी के लिए आई है कि मोदी जी आए और देश की तरक्की करे, की तरक्की करे। मोदी के लिए आपकी के साथ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। महिलाओं ने उठाना है, मोदी को ही लाना है। राहुल गांधी एक प्यारा सा नाम है उनका, पप्पू, उनके बारे में क्यों खिलाफ है? अब जो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे हम उसी का नाम लेंगे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ मुझे तो लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी बिगड़ी परिस्थिति को सुधारने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, कुछ तो टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। चमत्कारी तो नहीं है ना, चुटकी बजाएं और अच्छा दिन आ गया। मोदी जी भारत की संस्कृति की शान है। और राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी के बारे में मेरे पास कोई विचार नहीं है, सॉरी भैया। सीधी सी बात है, हमें मोदी चाहिए। पप्पू जी का कोई चांस नहीं है? नहीं है, हमें मोदी चाहिए, हर हालत में मोदी चाहिए। जो मोदी जी के सोच है वो राहुल जी के नहीं है, उनको बचपना में भी लग रहा है। 50 साल में बचपना दिख रहा है आपको? उनका है ऐसा सोच। सबसे बढ़िया मोदी सरकार है जी। मोदी जी ने कोई हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करा। मोदी ने हमेशा ये सोचा कि सबके साथ। मोदी जी आए हैं जब से बहुत लेडीजों के मामले में इतना अच्छे किए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हैं वो पाकिस्तान में जाकर। सीमाएं सुरक्षित है, उधर मजबूती है, हमारे जवान हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी की पूरी कोशिश ये है कि राफेल डील के जो विमान भारत को मिलने वाले हैं, पहले ही वो 15 साल डिले हो चुकी है, वो इसको रोकना चाहते हैं। वजह क्या हो सकती है? नहीं रोकना, ये सब दिखावटी वो है निकारण, थोता गणा बाजे गणे, ये बाजने वाला काम है, ये कुछ नहीं करने वाला, वो तो दुनिया जानती है। नहीं जिसकी रगों में भारत का खून ही नहीं, ये बताओ तो वो हम कब सोचेंगे जब हमारे अंदर वो पप्पू है, वो पप्पू ही रहेगा। मार के पप्पू पास हो गया लेकिन एंड में अकल ही चली गई, फिर फेल हो जाएगा। मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी जो बात कहते हैं ना एक भी सच नहीं बोलते, सारा झूठ बोलते हो। राहुल गांधी क्या बोलेंगे? इतना मोदी ने किया 70 साल में नहीं किया कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, फिर भी राहुल गांधी नहीं मान रहा हल्ला मचाने से, क्या कहना चाहेंगे? तो चोर कहने से कोई चोर नहीं हो जाता है, चोर है इसलिए कह रहा है, वो खुद चोर है, उसे डर है कि ये मुझे पकड़ लेंगे, इन पे इल्जाम लगाऊंगा तो ये डर जाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे। लेकिन कहानी में कहता है नहीं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, वही कहानी हो चुकी है। आज तक कांग्रेस ने अलाउट नहीं किया था कि हाँ वहाँ पे तुम भी गोली चलाना, बंदूक चलाना कि पाकिस्तान वाले भी डरे, मगर जब से मोदी आया है एकदम टक्कर की लड़ाई हो रही है। आपको मोदी जी पे विश्वास है? पूरा विश्वास है। जब भी 2019 में क्या उम्मीद है मोदी जी की? पूरी पूरी मोदी आएगा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर।